दोस्तों नरूटो में तीनों ग्रेट आई में रिनिगन ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट आई साबित हो चुका है और असल में दोस्तों ये है भी। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं नरूटो में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट रिनिगन यूजर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़े रिनिगन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रिनिगन एक स्ट्रॉन्गेस्ट आई होता है और इसको सबसे पहले हागुरोमो ओसासुके के द्वारा ही कंट्रोल किया गया था। एक यूजर रिनिगन को अपने आंख के जरिए या तो कुछ और के जरिए भी यूज करके कोई भी जुसु को परफॉर्म कर सकता है और इसके साथ साथ वो स्पेशल पावर्स को भी एक्सेस कर पाता है जिसको कि सिक्स पैथ पावर के नाम से भी जाना जाता है। रिनिगन यूजर के बारे में ये कहा जाता है कि वो लाइफ और डेथ के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है और दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि रिनिगन को स्ट्रॉन्गेस्ट और वर्दी कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों कुछ भी हो रिनिगन एक दोजुसु है और इसके अलग अलग वेरिएंट भी होते हैं। ये तो दोस्तों थोड़ा बहुत हो गया रिनिगन के बारे में, लेकिन दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट रिनिगन यूजर के बारे में। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ब्लैक जुसु। दोस्तों आपको भी पता है कि नरूटो में ब्लैक जुसु मेन एंटागोनिस्ट था और कागुया का विल का एक इनकार्नेशन है। सीरीज के एंड में दोस्तों ब्लैक जुसु कैसे करके रिनिगन यूज कर पा रहा था। ब्लैक जुसु ओबिटो के बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके रिन ने टेंशाई नो जुसु को कास्ट किया था क्योंकि वो मादरा उचिहा को लाइफ में बैक ला सके। लेकिन दोस्तों इस दौरान इसके रिनिगन का स्किल एकदम लिमिटेड था, इसीलिए वो ओबिटो के बॉडी को सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये नंबर 10 पे इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये रिनिगन का वीकेस्ट यूजर था और इसके रिनिगन का स्किल दोस्तों बहुत ही लिमिटेड था। अभी 9 पे आता है जिगन का टेंटेल। दोस्तों बरूटो में कारा का लीडर जिगन को हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल देखे थे और उसके कई सारे पावर्स में से दोस्तों एक टेन टेल भी आता है। ये तो हमें पता है कि कैसे इसका टेन टेल ओरिजिनल टेन टेल से अलग है, लेकिन दोस्तों शासके या फिर शाशु की एकदम श्योर है कि इसका टेन टेल में रिनिगन ही होता है। इसका दोस्तों टेन टेल वली कागुया इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन दोस्तों इससे थोड़ा कम ही सही पावरफुल तो होता है और इसका रिनिगन भी इसके टेन टेल की तरह ही पावरफुल होता है। इसके टेन टेल के जरिए ये ओशंस में यानी तो समंदर में उथल पुथल मचा सकता है और प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तरफ से इसका रिनिगन भी अच्छा खासा पावरफुल होता है। अब इस बार 8 पे आता है नागाटो उजामाकी। दोस्तों नागाटो उजामाकी को थोर 6 पैथ के हिसाब से जाना जाता है। नागाटो सीरीज में मोस्ट डरावना कैरेक्टर में से एक हुआ करता था। अगर हम नोटिस करते हैं तो मादरा उचिहा के द्वारा ही इसको रिनिगन दिया गया था। शुक्र है उसके बॉडी का जिसके वजह से वो अपने आंख के पावर को पूरा अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा था और खास करके ये धीरे धीरे अपने आई के पावर में या तो अपने रिनिगन में मास्टर भी होने लगा था। अपने फुल पावर के साथ ये नरूटो में दो परफेक्ट जिन चिरिको को भी हरा दिया था। इसके आंख का पावर का दोस्तों हम ऑलरेडी जिराया और नरूटो के बैटल में देख चुके हैं। अब इस सीन पे आता है ओबिटो उचिहा। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ओबिटो उचिहा भी नरूटो का मेन एंटेगोनिस्ट हुआ करता था। नागाटो के डेथ के बाद ओबिटो आ गया था और उसके आने का मकसद भी यही था कि वो नागाटो के रिनिगन को ले सके, लेकिन दोस्तों फिर भी वो उतना नागाटो के रिनिगन को एडप्ट नहीं कर पाया था। फिर जाके दोस्तों वो अपना सिक्स पैथ को क्रिएट किया था जिसके वजह से नरूटो को भी प्रॉब्लम हुआ था। इसके बाद दोस्तों टेन टेल का जिनचिरोकी होने के नाते ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था और इसके पावर का दोस्तों बराबरी बस कुछ ही कैरेक्टर कर पा रहे थे, जैसे कि दोस्तों अपना नरूटो और शासके या फिर शाशुकी। यहाँ पर दोस्तों इससे आप जरूर इसके रिनिगन के पावर के बारे में सोच सकते हैं। और इस 6 पे आता है मादरा उचिहा या फिर मादरा उचिहा। दोस्तों नरूटो में मादरा उचिहा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिनिगन को अपने आप में ही खुद में ही जगाया था। यहाँ पर मादरा अशुरा के पावर को इंद्र के पावर के साथ फ्यूज करके रिनिगन को एक्सेस कर पाया था और ये रिनिगन में मादरा उचिहा बहुत ही बेस्ट एबिलिटी यूज कर सकता था। टेन टेल का एक परफेक्ट जिनचिरोकी होने के नाते मादरा का पावर लेवल बहुत ही अच्छा था। मादरा अपना रिनिगन को यूज करके एक स्पेशल एबिलिटी भी यूज कर पाता था जिसका नाम दोस्तों लिम्बो था। इस लिम्बो की मदद से वो अपने खुद के क्लोन्स को समन कर पा रहा था और ये एकदम अनस्टेपेबल बन गए थे। अब इस 5 पे आता है शासके उचिहा या फिर शाशु की उचिहा। दोस्तों नरूटो सीरीज में कोई है जो नरूटो को राइवलरी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शासके उचिहा ही है, जो कि दोस्तों होगोरोमो ओसासुके से सिक्स पैथ यानी दोस्तों इन पावर रिसीव करके एक गॉडली स्टेटस को रिसीव कर चुका है। शुक्र है ये सभी पावर्स का जिसकी वजह से वो अपने लेफ्ट आंख में रिनिगन को एक्टिव कर लिया था। यहाँ दोस्तों अच्छा बात यह है कि शासके अपने एडल्टहुड में अपने रिनिगन के सारे पावर के ऊपर मास्टर हो चुका था। उसका सिक्स पावर को यूज करने से लेके एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन टेक्निक यानी दोस्तों अमृत रासू तक ये सभी चीज को यूज कर पा रहा था। नहीं,
बल्कि ये अपने आंख और स्किल के मदद से अलग अलग डायमेंशन में जाने के लिए भी पोर्टल्स को ओपन कर सकता है। सही में दोस्तों शासकीय रिनिगन का बहुत ही अच्छा यूजर है, लेकिन दोस्तों अभी तो और भी कैरेक्टर बाकी है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों कागुया और सासुके। दोस्तों कागुया और सासुके को हम अर्थ में चक्र का एंसेस्टर कह सकते हैं। एक्चुअली में अगर हम देखते हैं तो कागुया के पास भी रिनिगन जैसा एक सिमिलर पावर था। इसके आंख को दोस्तों ऑफिशियली रिन शेरिंगन या फिर दोस्तों रिन शेरिंगन के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों इसमें शेरिंगन और रिनिगन दोनों का ही दोस्तों एबिलिटी साथ में रहता था। कागुया अपने पावर को यूज करके 6 अलग अलग डायमेंशन के पोर्टल्स को खोल सकती थी और यहाँ तक कि वो खुद को भी टेलीपोर्ट कर सकती थी जहाँ भी वो चाहे। एक ओसासुके के होने के नाते दोस्तों ये सभी चक्र को एब्सॉर्ब कर सकती थी। और वैसे भी दोस्तों निंजत्सु इसके खिलाफ यूजलेस साबित होता है। लास्ट दोस्तों इसका रिन शेरिंगन या फिर रिनी शेरिंगन का सबसे बड़ा एबिलिटी यही था कि वो इन्फिनिट सुकीयोमी को कास्ट कर सकती है। और इस वक्त पे आता है मोनोशिके ओसासुके। दोस्तों मोनोशिके ओसासुके क्लान का मेन फैमिली का एक मेंबर था जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मोनोशिके एडल्ट नारुतो और सासुके दोनों का सामना कर पा रहा था। इसका अपीयरेंस दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के हिसाब से हुआ था। यहाँ दोस्तों सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि मोनोशिके के पास 3 अलग अलग रिनिगन थे। यहाँ पर वो एक अपने लेफ्ट हैंड में यूज करता था जिससे कि दोस्तों वो सभी चक्र को एब्सॉर्ब कर सकता था। राइट हैंड में दोस्तों रिनिगन यूज करके वो जुत्सु के पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता था। बाकी बचा दोस्तों एक रिनिगन उसके फॉरहेड में था। चाहे दोस्तों कुछ भी हो, मोनोशिके एक आउटस्टैंडिंग रिनिगन यूजर साबित हो चुका है। और इस वक्त 2 पे आता है उरुशिके और सासुके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो उरुशिके एक बहुत ही पावरफुल गॉड की तरह ही था और बहुत ही आसानी से 5 कागे में से 2 के खिलाफ फाइट करने का कैपेसिटी रखा था। खैर दोस्तों कुछ भी हो, उसका मैक्सिमम पावर तो उसके रिनिगन से ही आता है जो कि दोस्तों उसके दोनों ही आंखों में था। यहाँ पर दोस्तों उरुशिके तोमई रिनिगन के ऊपर कंट्रोल कर सकता था। इसके खिलाफ तो दोस्तों निंजत्सु भी प्रैक्टिकली यूजलेस ही है। उरुशिके अपने रिनिगन की मदद से अलग अलग जगहों पर फटक से टेलीपोर्ट हो सकता है। लास्ट जब ये लोगों का चक्र को यूज करना शुरू कर दे तो दोस्तों ये सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। वैसे भी दोस्तों उरुशिके मित्सुकी का सेज चक्र को चुरा लिया था और खास करके सासुके का चक्र में भी बहुत ही बड़ा पोर्शन को वो चुरा लिया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनिगस। जी हाँ दोस्तों, होगोरोमो और सासुके। दोस्तों होगोरोमो को सेज ऑफ सिक्स्थ पैथ के नाम से जाना जाता है। अगर हम नोटिस करते हैं तो पूरे नारुतो सीरीज में होगोरोमो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रहा है। यहाँ मजे वाला बात यह है कि जब से ये किड था तब से ही ये रिनिगन के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों होगोरोमो के आंख के स्किल के साथ किसी का भी मैच नहीं हो सकता। इसके पावर का कुछ झलक हमें तब देखने को मिला था जब ये चिकाबो टेंसाई को यूज करके एक मून को भी क्रिएट कर दिया था। ये अपने पावर को दोस्तों नारुतो और सासुके के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी इसके पास इतना चक्र बचा था कि वो डेथ कागे को भी समन कर सकता था और साथ में दोस्तों इडो टेंसाई को भी तोड़ सकता था। लास्ट दोस्तों बिना डाउट के हम ये कह सकते हैं कि होगोरोमो ही पूरे शो में स्ट्रॉन्गेस्ट रिनिगन यूजर है। दोस्तों यही था नारुतो में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट रिनिगन यूजर के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो में।